तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक की CSP ID लेना चाहते हो तो आप लोग सही वीडियो पे क्लिक किए हो। बहुत ही लो प्राइस में और इंस्टेंट आपको आधे से एक घंटे में हम जो है CSP ID आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसमें टोटल सर्विसेस आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, आपका खर्चा कितना आने वाला, ये टोटल चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिससे आपका हेल्प होगा, तो इस वीडियो को कमेंट्स करके और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक की BC मर्चेंट ID कैसे ले सकते हैं, BC CSP ID कैसे ले सकते हैं, BC एजेंट ID कैसे ले सकते हैं, जो KYC करके लोगों का अकाउंट ओपन करते हैं वो ID आप लोग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ID के बारे में। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कोटक पार्टनर ऐप, यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरा ये एक एजेंट आईडी है, पार्टनर आईडी है। इससे जुड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, जीरो बैलेंस से किसी भी ग्राहक का आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक लगा के फुल KYC के माध्यम से अकाउंट को ओपन कर सकते हो और उसे जो इंस्टेंट यहां पर फोन पे गूगल पे की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हो। ठीक है, जीरो बैलेंस से ये अकाउंट ओपन होता है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलती है कि आप लोग जो है अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अकाउंट को जीरो बैलेंस से ओपन करना है आपको बायोमेट्रिक फिंगर के माध्यम से, उसका KYC कंप्लीट करके, उसका अकाउंट को ओपन करके कम्प्लीटली यहाँ पे फुल KYC कर देना है। फिर आप लोग जो है जीरो बैलेंस के हिसाब से उसका अकाउंट जैसे एक्टिवेट करते हैं, उसका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, फोन पे गूगल पे भी चला सकता है वो पर्सन। तो आप यहाँ पर ये सवाल रहता है आप लोग ये आईडी कैसे लीजिएगा, तो देखिए देखिए फिलहाल दोस्तों हम बात करें, अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक की ये आईडी लेना चाहते हो जिसमें आप लोग को जीरो बैलेंस से यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करने की फैसिलिटी मिल रही है और जीरो बैलेंस से आप लोग को जो है सिर्फ यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक आधार कार्ड के माध्यम से, विदाउट आधार OTP आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से आप लोग जो है अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और ग्राहक से आप लोग जितना चार्ज लेना चाहे, आप दुकान भी खोल सकते हैं, एक जो है अपना आपका अगर CSP संचालक हैं, APS संचालक हैं, तो आप लोग दुकान पे ये आईडी लेके आप लोग काम कर सकते हैं। बहुत ही ट्रस्टेड और 100% ये जो है आपको कोटक महिंद्रा बैंक के तरफ से ही आईडी दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हम बताते रहे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सर्विस लिस्ट है, यहाँ पर आप लोग देखिए टोटल सर्विस जो इसमें मिलेगा वो आपको यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्प्ले पे शो कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए और यहाँ पर डिसाइड आप लोग करिए कि आपको CSP चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन इतना मान के चलिए कि अगर आप लोग को जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं और किसी भी ग्राहक का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और फुल KYC बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं, कहीं भी बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ग्राहक को, आप लोग जो है फॉर्म फिल करके उसको अपलोड करके जो फॉर्म आपको दिया जाएगा हम लोग के तरफ से वो जो है आप लोग फिल करके और वहां पर आप लोग जो उसका अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये आईडी लेने के लिए आपकी डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहला आपका एज जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए अवेलेबल है आईडी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप लोग तो ये अवेलेबल है आईडी और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर में आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा और एप्लीकेशन लॉग इन करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि आपको कैसे यहां पर जो है यहां पर मिलेगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं आपका एज जो है वो 18+ होना चाहिए और यहां पे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बस इतना ही डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी। अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के पार्टनर बनना चाहते हो, पार्टनर बन के BC एजेंट बन के काम करना चाहते हो, KYC एजेंट बन के, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और यहां पर आपको मैं 100% बता दूं आप लोग को जो है यहां पर जैसे कि एक नंबर शो हो रहा है। ठीक है, यहां पर जो है आपको जो नंबर ये डिस्प्ले हो रहा है यहां पर इस नंबर पे कॉल करना, इस नंबर पे कॉल करने के बाद आप लोग जो वहां पर जो है बात कर सकते हैं, वहां पे आपको 100% एक CSP के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसकी हम एक यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 999 रुपए आईडी की कॉस्ट है। ठीक है, 999 रुपीज चार्ज है मात्र और यहां पे 999 रुपए देके आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक के पार्टनर और BC एजेंट आईडी लेकर काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे कॉमेंट्स करते थे कि सर मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की एजेंट आईडी दिलवाइए, कोटक महिंद्रा बैंक की BC आईडी दिलवाइए, तो उन लोगों के लिए मैंने खुद ही बैंक से कांटेक्ट किया और वहां से मैंने यहां पर जो है आपके लिए ये आईडी आपको मिलेगा 100% कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ट्रस्टेड मिलेगा, कोई भी फ्रॉड वाली बात आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, आपको जो भी टारगेट रहेगा इसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको टारगेट दिया जाएगा अकाउंट इतना खोलना है इतना खोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं, जितना आपका मर्जी आए वो उतना ही कर सकते। इसकी कमीशन लिस्ट के बारे में आप जो इस नंबर पर कॉल करिएगा तो आप लोग को टोटल डिटेल्स यहीं पर बता दी जाएगी और आप डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी जो भी रहेगा
रहेगा इसी नंबर पे आपको बता दिया जाएगा। तो इस नंबर पे कॉल करिए, मात्र 999 रुपये में आपको जो है कोटक महिंद्रा बैंक की एजेंट आईडी, केवाईसी आईडी और कोटक महिंद्रा बैंक की बीसी मर्चेंट आईडी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर से आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो सर्विसेस में मिलने वाला है, ये टोटल सर्विसेस आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी यहाँ पर इधर उधर नहीं होगा, जो सर्विस आपको दिखाया जा रहा है। पीके और बायोमेट्रिक लगा के आप लोग किसी भी ग्राहक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को में इतना ही था, आप आगे वाली वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग को ये भी हम बताने वाले हैं आप लोग अकाउंट ग्राहक का कैसे ओपन करिएगा, आप लोग केवाईसी कैसे करिएगा, इसमें लीड आप लोग को कैसे क्लियर करिएगा और आपका जो है यहाँ पर टोटल प्रोसेस में क्या है और कैसे आपको रजिस्टर करना है, ये सब चीज़ें जो अगले आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग जो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा। अगर आप लोग आईडी लेने में इंटरेस्टेड इस नंबर पर कॉल करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।